हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्राइंडिंग मशीन या फिर जो ग्राइंडिंग व्हील है तो इसमें से जो है किसका आरपीएम ज्यादा होना चाहिए और वो भी क्यों। तो इस सवाल का जो है जवाब आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप सेफ्टी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर जो है आपको ग्राइंडिंग सेफ्टी के बारे में जो है ये सवाल पूछा ही जाता है, यानी कि ग्राइंडिंग मशीन या फिर जो ग्राइंडिंग व्हील है तो इसमें से जो है किसका आरपीएम जो है वो ज्यादा होना चाहिए और वो भी क्यों। तो इस सवाल का जो है जवाब आपको पता होना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर यही देखने वाले है। तो दोस्तों, जब भी आप आपके साइट पर जाते हो तो आपको जो है वहां पर चेक करना है कि आपके पास जो है कौन सा ग्राइंडर अवेलेबल है, और साथ ही साथ व्हील का जो साइज रहेगा और उसका जो आरपीएम रहेगा उसको आपको जो है हमेशा मैच करना होता है आपके पास जो ग्राइंडर रहेगा उससे। और इसकी वजह से जो है आप वहां पर उसका परफॉर्मेंस और उसकी सेफ्टी को जो है यहां पर इंश्योर कर सकते हो। और आपको एक बात यहां पर ध्यान में रखनी है कि कभी भी जो है आपको जो व्हील है उसका साइज जो है वो कभी भी कम या फिर जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए ग्राइंडर के हिसाब से जो ग्राइंडर का मैन्युफैक्चरर ने जो वहां पर उसमें ऊपर जो है स्पेसिफाई किया गया है, यानी कि ग्राइंडर मैन्युफैक्चरर जो है उसने जो भी यहां पर बताया गया है कि इस हिसाब से जो है यहां पर ये व्हील जो है वो लगने वाली है, इसका ये साइज है, इसका जो आरपीएम है, तो उसी हिसाब से जो है आपको उस ग्राइंडर के लिए जो है उस व्हील का इस्तेमाल करना है। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ हमेशा आपको वेरीफाई करना है कि ग्राइंडर का जो आरपीएम है वो कभी भी जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए व्हील के आरपीएम से जो व्हील के ऊपर मार्क रहेगा। इसके साथ साथ आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि आपको जो है ये कभी भी सोचना नहीं है कि जब भी आप ग्राइंडिंग से जो है कोई अगर काम कर रहे हो तो ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर जो है एक गार्ड आता है, तो उस गार्ड को जो है आपको कभी भी रिमूव नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये काफी डेंजरस सिचुएशन जो है वो बन जाती है। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो है एक AG7 की जो है ग्राइंडिंग मशीन है जिसका आरपीएम जो है वो है 8500 आरपीएम। अब आपको जो है इसके हिसाब से जो है इसका ऊपर कौन सी व्हील आएगी, कितने उसका साइज रहेगा, कितना आरपीएम रहेगा, वो आपको जो है यहां पर जानना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हील का जो साइज है वो कभी भी जो है ग्राइंडिंग मशीन से जो है इक्वल या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। तो व्हील का जो है यहां पर जो साइज है वो 8500 आरपीएम से जो है वो ज्यादा होना चाहिए, ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्राइंडिंग व्हील का जो इस्तेमाल है वो कभी भी आपको कटिंग परपोज के लिए जो है नहीं करना है, क्योंकि यहां पर जो है ग्राइंडिंग व्हील और कटिंग व्हील जो है दो अलग अलग तरह की जो है दो व्हील आती है। तो अगर आपको कटिंग का काम करना है तो उसके लिए जो है कटिंग व्हील का इस्तेमाल करना है, और ग्राइंडिंग का अगर काम करना है तो उसके लिए जो है ग्राइंडिंग व्हील का ही जो है इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि ग्राइंडिंग व्हील या फिर ग्राइंडिंग मशीन इनमें से जो है किसका जो है आरपीएम ज्यादा होना चाहिए उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।